तो तेरे सही लगे भाई। हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो भाई आज का जो टूर है वो बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं निकल रहा हूँ मनाली टूर पे। और इस टूर में मतलब अलग अलग दिशाओं के मेरे सारे दोस्त आए हुए हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं जो मेरे साथ चौथी पाँचवीं में पढ़ते थे, ऐसे भी हैं जो 11th 12th के थे, असल में मैंने तीन स्कूल बदले थे। तो मतलब ओवरऑल इसमें बहुत पुराने पुराने यार भी हैं मेरे जो 8-8, 10-10 साल पुराने हैं। बाकी इस ब्लॉग में जैसे हम दिल्ली से निकल रहे हैं तो जितना भी रास्ता पड़ेगा, जैसे यहाँ से इसका मतलब कितनी दूरी है, तो वो सब मैं इसमें शेयर करूँगा। और वहाँ का क्या वेदर अभी चल रहा है और स्नो मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो खैर मुझे भी नहीं पता। वैसे वेदर में मैंने चेक किया था तो दिखा रहा था कि भाई हाँ वहाँ पर स्नो आज है और कल भी है, 50% चांसेस है। बाकी देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। और भाई वहाँ का जो भी वेदर है, जो भी व्यू है, सब कुछ मैं इस ब्लॉग में बताता रहूँगा। तो भाई अभी निकल रहे हैं घर से और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं और टंकी वंकी हो चुकी है फुल पेट्रोल की। तो भाई टूर स्टार्ट हो चुका है और अभी रात के बज रहे हैं 11 और पूरी रात आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। और भाई अभी चल रही है तैयारी, ये सारे आ चुके हैं तो सब अपना बैग वैग सेट कर रहे हैं। हाँ भाई बैग वैग सेट हो गया, तो भाई सब लगे हुए हैं। ये मेरी गाड़ी के बंदे आ चुके हैं, असल में एक गाड़ी और जा रही है, 5 बंदे उसमें भी हैं, तो वो भी हमें आगे मिलेगी, दिखाऊंगा आपको वो भी। तो भाई सारे आ चुके हैं और अभी हम खड़े हैं करनाल बाईपास पे और अभी टाइम हो रहा है 11:15, तो अब निकलते हैं। बाकी की जर्नी भाई आगे जो भी आपको सब दिखाएंगे तो चलते हैं। और भाई बाकी एक बंदा और आने वाला था, वो आया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आया भाई, वो छुट्टी नहीं मिली थी, छुट्टी नहीं मिली भाई, असल में प्राइवेट नौकरी है ना तो भाई छुट्टी उट्टी नहीं मिलती है। तो भाई बाकी सब आ चुके हैं, तो भाई मिलते हैं अब। तो भाई अभी बीच रास्ते पे रुके हैं, फुल कोहरा हो रहा है यहाँ पे और आपको पता ही है इस कोहरे में इतनी रात में रोकने का क्या मकसद हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी बंदों को इमरजेंसी लग गई थी, तो भाई ये इमरजेंसी लग गई थी इसलिए भाई रात को गाड़ी रोकनी पड़ी। हाँ भाई चंदन हो गया चले, हाँ भाई हो गया। हाँ भाई चंदन चले ताला, अब भाई खाली बैठे थे तो डांस करके दिया डांस करने चंगिया बोलते हैं उसको जानी। तो भाई चंडीगढ़ से निकल के अब पहाड़ों के रास्तों से स्टार्ट हो चुका है। तो भाई ये है पूरा पहाड़ों का एरिया, अब तकरीबन यहाँ से हमारा 200 किलोमीटर रह गया और पूरी रात ड्राइविंग करते करते तकरीबन अब हमें सुबह के यहाँ 7 बज चुके हैं। और भाई मैं आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखाता हूँ जहाँ भी हम रुके हुए हैं। टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो मुझे तो नॉर्मल लग रहा है, ऐसा कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ठंड है या कुछ है, नॉर्मल टेम्परेचर है। और यहाँ पे जैसा कि मैं रोड वोड देख पा रहा हूँ भाई बारिश वारिश हो रखी है। और बाकी ये मेरे भाई साहब देख रहे हैं, बाकी सब अपना कैप्चर कर रहे हैं। भाई यहाँ पे एक बंदा है जो मेरे को ना व्लॉगिंग करने नहीं दे रहा, वो ये है। ओके ओके ओके
भाई अंदर की खुशी दिख रही है मुझे तो भाई अब थोड़ी भूख भूख लगी है, अब आए यहाँ पे रुके हैं तो यहाँ पे थोड़ा खाएंगे पिएंगे फिर उसके बाद चलेंगे। मैं आपको ढाबा दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई ये है ढाबा, तो यहाँ हम थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा खा पी के फिर निकलेंगे। मनाली के रास्ते से चल रहे थे तो जस्ट अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर एक व्यू दिख रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है, अभी गाड़ी रुकी है। अब वह यहाँ का ये देखो इतना शानदार व्यू है, बाकी भाई ऐसे और भी बहुत से नज़ारे मिलेंगे तो आगे आपको और भी दिखाता हूँ। हाई लेवल सिक्योरिटी फोन है मैं यहाँ, सारे पहाड़ मतलब बर्फों से ढके हुए हैं। तो भाई मनाली से बस 10 किलोमीटर दूर रह गए हैं और ये पीछे वाला ये हो चुका है पागल, बर्फ ले लेके ये मुझे मारे जा रहा है। ये देखो तेरी सही लगे उठ गई। तो भाई और जहाँ पे मतलब जो वेदर है यहाँ पे बिल्कुल अब लग रही है बिल्कुल ठंड, क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा है। रास्ते में एक व्यू और था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये मतलब ना यहाँ पे एक पुल बना हुआ है और ये पुल एक नदी सी बह रही है, ये देखो पीछे। कल की डेट में भाई पूरी हैवी स्नोफॉल हुई थी जिसका सर ये दिख रहा है साफ साफ, और अभी हम मनाली में अभी भी पहुँचे नहीं हैं, अभी भी हमारा थोड़ा सा रहता है और उससे हम थोड़ा सा पहले ही रुके हैं जहाँ का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पास पड़ेगा यहीं से निकल जाओ भाई, ये पुल देख रहे हो इसका साइज इतना, और इसी पुल से ना गाड़ी भी क्रॉस होती है, वो देखो यहाँ से वो गाड़ी जाएगी अभी, मतलब रास्ता बिल्कुल इतना है कि बस गाड़ी बिल्कुल है ना चिपक के चल रही है, और भाई ने बड़े मतलब टैलेंट से निकाल भी ली। नीचे गिरेंगे ना सर पर टूट जाएगा और हमारा कुछ बचेगा भी नहीं, तो गिरना ही क्यों है भाई, गिरना भी नहीं है उधर चल रहे हैं। बाकी भाई चलते हैं बर्फ की तरफ, पानी में हाथ नहीं लगा सकता इतना ठंडा है भाई साहब, देख रहे हैं बैरिकेड कर रखा है, यहाँ से जा सकते हैं। इसमें काई जमी भाई, इस पे भी काई जमी हुई है। कहाँ पे? बहुत समझ के देख रहा है, सब पे काई जमी हुई है। बढ़िया फोटो खींच दो। सुनिए एरिया बैरिकेड कर रखा है क्या ये? पता नहीं। नहीं मुझे लगता नहीं नहीं वो बांध रखा है। भाई। भाई। क्या करेंगे कहीं और जाके चले, कहाँ चले? हाँ चल रहे हैं, बाकी भाई चलते हैं और। हो यहाँ लग रही है ठंड अच्छे वाली। जल्दी आना, मतलब देखो बर्फ में कैसे लेटा पड़ा है। बढ़िया तू बर्फ है ना, ऐसे ऐसे उठा के ना, और ऐसे ऐसे मत मार यार प्लीज, ऐसे मत मार यार, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ठंडी होती है। अब तू क्या कर रहा है, तू बार बार ऐसे उठा रहा है और फिर तू ऐसे मार रहा है यार, ये अच्छी बात है। बावली पूछ ये, अब ये इसने उतार दिए जूते पूते, ओ मरेगा क्या भाई, बहुत ठंडा पानी है तो भाई ठंडा है पानी। ओ भाई ओए ओ भाई तू एडवेंचर कर ले सही, देख पैर देख लाल हो गए पूरे भाई, जाम लगाया जब तक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मार्केट यहाँ की, ये सारी शॉप्स वगैरह हैं, ये एक फालतू आदमी, ये दूसरा, और बाकी इसमें बैठे हैं
और एक गाड़ी पीछे एक उसमें बैठे हैं। तो भाई जैसा कि होटल वगैरह हम ले चुके हैं, अब आया थोड़ा खाना पीना करने। तो भाई अभी खा पी के अब चलेंगे होटल। और भाई होटल बड़ा अच्छा मिल गया हमें। मैं अभी जाऊँगा आपको पूरा होटल दिखाऊंगा। अभी रूम वगैरह सारे मतलब काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल गया।